हौसले बुलंद कर, रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पहल कर दे, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। यार मज़ा तब है ना व्हेन यू एक्चुअली ब्रिंग डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, राइट। वो तुम स्माइल ला सको, किसी को टारगेट अचीव करवा सको, अपने आप को इतना अप्रोचेबल बना सको, अवेलेबल बना सको, राइट, कि हर कोई तुमसे कनेक्टेड फील करे एंड वो एक्चुअली में तुम डिफरेंस लेकर आओ। तो एकदम एकदम की बार मन है कि जो अपना जून 23 टर्म है फाउंडेशन का, उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि अभी तक का अपना एनी फैमिली का ये सबसे बेस्ट रिजल्ट हो, राइट। एंड ये सिर्फ मेरे अकेले से नहीं हो सकता, राइट, दिस इज इंटायर टीम वर्किंग फॉर इट, एंड तुम लोग का भी पूरा वाला सपोर्ट चाहिए एंड वी हैव टू डू दिस, विल मेक इट हैपन। तो उसके लिए जो भी करना होगा विल डू इट, राइट। तो जैसे कि टुडे आफ्टरनून वी ड्रॉप दिस थिंग कि भाई आज वी आर गोना डू समथिंग सुपर एक्साइटिंग, राइट। सो अभी ऐसा है द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अभी के लिए फोन डाउन, और ऐसा बहुत सारा चीज़ ना अपने करते रहेंगे ओवर दिस पीरियड, राइट। तो टू कीप यू ऑन ट्रैक, टू हेल्प यू अचीव योर गोल, अपने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का। दिस इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट स्किप इट, राइट। सीए फाउंडेशन का जो मॉक टेस्ट है वो देयर वुड बी 50 मॉक टेस्ट, 50 इज द स्केड्यूल मॉक टेस्ट। इसको छोड़ के जो मॉक टेस्ट पहले हो चुका है या जो DPPs हैं या फिर जो ऑनलाइन कुछ मॉक टेस्ट वगैरह जो भी एक्स्ट्रा है वो है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। 50 स्केड्यूल मॉक टेस्ट है एंड ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यार? क्योंकि ना अपने पढ़ते हैं, पढ़ता हर कोई है, क्लासेस करते हैं, क्लासेस हर कोई करता है, रिजल्ट्स हर किसी के नहीं आते, राइट। तो मॉक टेस्ट से क्या होता है ना, यू गेट टू नो कि तुम एक्चुअली में कहाँ पे हो। पता कैसे चलेगा भाई? पता तब चलेगा जब उसका इवैल्यूएशन हो। तो वी विल इवैल्यूएट ईच एंड एवरी कॉपी एंड यू विल गेट योर कॉपीज विद इन 7 डे। तो अपने पास एक फिक्स शेड्यूल रहेगा मॉक टेस्ट का, अच्छी बात है। लेकिन द पॉइंट इज कि उसका और क्या फ़ायदा है? और फ़ायदा ये है कि अपने जो मॉक टेस्ट लेंगे ना, वो ग्रुप ऑफ चैप्टर्स लेवल पे होगा, वो टोटल लेवल पे होगा, राइट। उससे क्या फ़ायदा? तो उससे ना अपना रिविजन बहुत अच्छे से इंश्योर हो जाएगा। वी आर मेकिंग श्योर कि हर चैप्टर का मिनिमम 4 बार अपने कवर कर रहे हैं, मिनिमम 4 बार कवर कर रहे हैं, कुछ कुछ का जो 6 बार भी कवर कर रहे हैं। तो तुम सोचो तुम्हारा ऑन एन एवरेज 4 से 5 बार का रिवीजन सारे टॉपिक का हो जाएगा, जो अपने बोलते हैं तुम्हारे एग्जाम्स के पहले। और क्या चाहिए? एग्जाम में फिर एक बार और रिवीजन हो जाएगा, राइट। अब ये मॉक टेस्ट जो है, दिस टाइम आई विल पर्सनली मॉनिटर कि कौन दे रहा है, क्या स्कोर आ रहा है, एंड नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे हो, राइट। क्योंकि मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाना नहीं इज नॉट माई ड्यूटी, राइट। तब तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। मज़ा कब आएगा? जब सिंसियरली हर कोई मॉक टेस्ट को अटेंड कर रहा है, उसका इवैल्यूएशन हो रहा है एंड उस पर फिर अपने स्टेप ले रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं एंड अगले टेस्ट में वो डिफरेंस लेकर आ रहे हैं। ये सारा करेंगे तो मजा आएगा, राइट। एंड ये सारा अपने को करना है। तो एक मॉक टेस्ट का फिक्स स्केड्यूल है, लेकिन मैं दिखाता हूँ, रुको, उसके बाद आगे का बात करते हैं, देखो, राइट। तो ये सब्जेक्ट लेवल पे है, जैसे अकाउंट्स है तो खुद ही देखो अकाउंट्स के कितने मॉक टेस्ट है। 8 को ये मॉक टेस्ट है, NPO फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स होगा, राइट। फिर 18 को, फिर 29 को, 9th में, 20th में, 26th में, 31st में, राइट, ऐसा करके 1st जून, 2nd जून, 3rd जून, 12th जून, इतना सारा तो खाली अकाउंट्स का ही है, राइट। उसके बाद फिर ये मैथ्स का है। दिस आई विल शेयर विथ यू, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। तो ये सारे मॉक टेस्ट है, इको BC के, लॉ BCR, मैथ्स एंड ई अकाउंट्स। ये हो गया फिक्स स्केड्यूल। फिक्स स्केड्यूल फॉलो करने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अपना इसके साथ साथ रिविजन भी हो जाएगा। लेकिन अगर अपने रिविजन का अपना अलग स्केड्यूल रखना चाहते हैं, अपने पेस पे रिविजन करना चाहते हैं, तो तुम लोग फ्लेक्सिबल स्केड्यूल भी मेंटेन कर सकते हो। मतलब कि अगर कोई मॉक टेस्ट 6 तारीख को स्केड्यूल्ड है, तो तुम 6 तारीख को नहीं देकर उसको 9 तारीख को भी दे सकते हो, 10 को भी दे सकते हो। व्हाट यू डू, यू टू राइट इट डाउन और ईमेल करना है, राइट। तो अगर अपने 9 या 10 को देते हैं तो भी, अभी 10 को देते हो तो 17 को यू विल गेट योर इवैल्यूएटेड कॉपी विद इन 7 डे, दैट इज आवर टर्न अराउंड। तो अपने यहाँ फिक्स स्केड्यूल है, मेरा बहुत मन है कि भाई अपने को फिक्स फॉलो करना है। एटलीस्ट आई विल मेक श्योर कि जो भी
अभी एनी फैमिली में ऑलरेडी है दो पीपल आर डूइंग क्लासेस, वो लोग फिक्स शेड्यूल को फॉलो करें, क्लासेस से भी अलाइन रहेगा। एंड जो लोग ठीक है करेंटली दे नॉट डूइंग क्लासेस बट खाली मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो लोग भी फिक्स करें तो बहुत अच्छा है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू फ्लेक्सीबल शेड्यूल तो वो भी आराम से कर सकते हो, यू हैव दी ऑप्शन राइट। तो अपना टोटल इन टोटल ये 50 मॉक टेस्ट है एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने लास्ट बार भी जो रिजल्ट का एनालिसिस किया था ना उसमें मैंने क्लियरली देखा था कि जो भी बंदा सिंसियरली सारे मॉक टेस्ट को दे रहा है, मॉक टेस्ट के सिंसियरली मतलब आ रहा है, दे रहा है, फिर पढ़ाई कर रहा है, रिविजन कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, करेक्टिव स्टेप्स ले रहा है, मतलब जो भी बंदा मॉक टेस्ट को लेके सीरियस है एंड वो सारे मॉक टेस्ट पे कंसिस्टेंट है, रिविजन वगैरह कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट बाकी लोगों के कंपेयर में बहुत बहुत अलग था। तो अपने को कुछ भी हो जाए अपने को देना ही है, एंड फॉर ऑल दोज हु आर करेंटली पार्ट ऑफ एनी फैमिली राइट, तो तुम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है इसको स्किप करने का राइट। तो अभी से लेके ना आई एम टेलिंग दिस ऑन अ सीरियस नोट, आज 4th of April है, अभी से लेके 30 जून तक तुम लोग को बहुत गाली देने वाले हैं राइट, लेकिन ठीक है सब सब चलेगा। बट अभी से लेके 30 जून तक अपने बैंकर वाला पढ़ाई करने वाले हैं एंड बहुत सारा एक्साइटिंग चीज़ अपने करता रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, जिससे विल मेक श्योर कि यार अपने को डिस्टिंक्शन लेकर आना है, जो कोई भी ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहता है या फिर बहुत सही है, और इफ़ नॉट डिस्टिंक्शन तो एटलीस्ट कोई अगर एवरेज स्टूडेंट भी है राइट, या मानो कि उतना एफर्ट नहीं पुट कर पा रहे तो भी यार अपने को पास तो होना ही होना है, दिस वी शुड मेक श्योर एंड वी हैव टू मेक श्योर। तो अपने को वो वाला मेहनत अपने को करना है, एकदम करना है, आपको पता है तुम लोग एकदम कर सकते हैं इफ़ यू आर डिटरमाइंड, इफ़ यू आर डायरेक्टेड है ना, अगर तुमको लगे कि समवन इज विथ यू और वो एक एक वाला फीलिंग साथ में रहे तो अपने उस चीज़ को कर लेगा एंड दिस टाइम अपने करेगा, क्योंकि मज़ा तभी आएगा ना जब अपने कुछ बड़ा करेंगे राइट, तो वो डिफरेंस वाला फीलिंग फिर अपने को लगेगा कि हाँ यार कुछ कुछ तो किए। तो ये डिटेल था मॉक टेस्ट का, जैसे ये अब तुम लोग देख सकते हो, दिस आई विल शेयर इंस्टाग्राम पे भी, आई विल शेयर, कॉन्टैक्ट डिटेल भी है यहाँ पे, तुम लोग बात कर सकते हो फाइन, तो ज़रूर से करो यार। एंड मेरे को फर्दर ये भी बताओ कि और क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पे यू वांट मी टू वर्क ऑन, उस पे भी काम करते हैं, जो भी तुम लोग का एक्सपेक्टेशंस है, जो भी एरिया है बताओ, वेल वर्क ऑन दोज और अपने चीज़ों को बहुत अच्छा करते हैं राइट। तो जैसा कि शुरू में अपने बोल रहे थे यार, हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, अकेला तू पहल कर दे, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा, हो के मायूस उम्मीदों का दामन न छोड़, वरना खुदा नाराज हो जाएगा, नाकामयाबी की इस धुन से ना घबरा, कामयाबी का सूरज तेरा जीवन रोशन कर जाएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लेट्स रॉकेट हार्ड।